अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि YouTube पर लाइव कैसे आए, यानी YouTube पर लाइव स्ट्रीम कैसे करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मोबाइल फोन की मदद से YouTube पर लाइव स्ट्रीम का सारा तरीका प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो पर बने रहें, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर आपने अभी तक यार इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें, ताकि आप लोगों से इस तरह YouTube रिलेटेड वीडियो कभी मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजफुल वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, YouTube पर लाइव आने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन यहां पर वो चैनल लॉगिन करें जिससे आप लाइव आना चाहते हैं। तो इसके बाद नीचे आप लोगों को प्लस का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। देन यहां पर आप लोगों को गो अलाइव का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां पर अपने लाइव का टाइटल दे, जो भी टाइटल आपका है लाइव का, मैं यहां पर सिंपल से टेस्ट लिखता हूं, आपकी लाइव का जो भी टाइटल है यहां पर वो रख दे। इसके बाद नीचे आना है, यहां पर अनलिस्टेड लिखा है तो यहां पर इसको आप पब्लिक कर सकते हैं, क्योंकि लाइव अगर आप आते हैं तो आपको पब्लिक की पब्लिक को सेलेक्ट करना है। तो यहां पर पब्लिक को सेलेक्ट करें। देन इसके बाद यहां पर नीचे आना है, यहां पर एक सेटिंग है, नो इट इज नॉट मेड पार्केड, इस पर क्लिक करके यहां से अगर आपका नट सेलेक्टेड है तो इसको सेलेक्ट करें, नो इट्स नॉट मेड पार्केड, इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आना है और यहां पर एक और सेटिंग है, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, तो इसको अगर आपका यस रिस्ट्रिक्टेड है तो इसको नो डो नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई वीडियो टू ओवर 18, इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर एक सेटिंग है शेड्यूल का, अगर आप अपने लाइव को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। और इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह जल्द इस चैनल पर आने वाला है कि लाइव स्ट्रीम को कैसे शेड्यूल करें। इसके बाद यहां पर नीचे एडवांस सेटिंग है, तो एडवांस सेटिंग पर अगर आप क्लिक करें तो यहां से अलाउ चैट, इसको यहां से अलाउ कर सकते हैं। अगर आप इस लाइव स्ट्रीम में कोई चीज़ की प्रमोशन करना चाहते हैं, किसी पेड प्रमोशन अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप एनेबल करें, नीचे दिस वीडियो कंटेंट पेड प्रमोशन, इसको एनेबल करें। इसको मैं बैक करता हूं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट का आइकन है, इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों को 3 सेकंड लेगा। इसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली थंबनेल इसने लिया है, तो इस पिन के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड थंबनेल पर क्लिक करें। आप पहले से अपने मोबाइल फोन के अंदर थंबनेल को रेडी करें, फिर इसके बाद आपको यहाँ से, मैं एक फर्जी थंबनेल यहाँ से उठाता हूँ, तो इस तरह इसको फिर एडजस्ट करें। इसके बाद सेव पर क्लिक करके थंबनेल सेव हो गया। देन इसके बाद आपको करना क्या है, गो लाइव पर क्लिक करना है। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको, गो लाइव पर क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोगों को आपका लाइव का ड्यूरेशन नजर आएगा और साथ आपके लाइव में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो यहां पर वो आपको दिखाई देगा, और आपके लाइव कितने लोगों ने लाइक किया है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोगों को कोने में 3 डॉट्स नजर आएगा, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, अपने लाइव को प्लस ऑन कर सकते हैं और अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं, यहाँ जो 3 डॉट्स है कोने में। इसके बाद यहाँ पर चैट का आइकन है, यहाँ से आप लाइव चैट देख सकते हैं। और इसके बाद जो कोने में दूसरा आइकन है, इससे आप फ्रंट और बैकग्राउंड कैमरा को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइव को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऊपर क्रॉस के आइकन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें तो आपका लाइव बंद हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेने के बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना होगा। डन पर क्लिक करने के बाद ये लाइव अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, तो इस 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करके यहाँ से डिलीट अपलोड पर क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट थे। तो आप इस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आ सकते हैं। तो ये तरीके, अगर आपको जो भी मुश्किल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह नेगे।